दोस्तों अगर बात करें फोटो शेयरिंग एप्स की तो मकबूलियत के एतबार से प्रिज्मा ऐप का मुकाबला कोई ऐप नहीं कर सकती आज की डेट में, जो आपको एक सिंपल पिक्चर से एक खूबसूरत आर्ट में आपकी तस्वीर बदल कर दे देती है। लेकिन दोस्तों पहले ये ऐप ऑनलाइन काम करती थी, लेकिन अब प्रिज्मा ऐप ऑफलाइन भी काम कर सकेगी। तो ये वीडियो देखते रहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस ऐप में फोटो फिल्टर्स के लिए न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और इसी वजह से अब तक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि इन फिल्टर्स को काम करने के लिए सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब प्रिज्मा ऐप में न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर से बेहतर बनाया गया है ताकि वो ऑफलाइन भी ज्यादा तेज काम कर सके। अब तेज का मतलब है कि इसका आपके स्मार्टफोन की सलाहियत पर भी इन्हिसार है। मसलन अगर आईफोन 6 में पहले किसी तस्वीर पर 10 से 20 सेकंड लगते थे, तो अब ये काम सिर्फ 3 से 4 सेकंड में हो पाएगा। दोस्तों जैसे कि आप भी जानते हैं कि पहले अगर प्रिज्मा ऐप के सर्वर पिक्चर को प्रोसेस नहीं कर पाते थे किसी वजह से, तो यूजर पिक्चर को आर्ट में तब्दील होने का इंतजार ही करता रह जाता था। लेकिन अब प्रिज्मा का कहना है कि इस ऐप का ऑफलाइन इस्तेमाल यूजर को ज्यादा पसंद आएगा और प्रिज्मा के माहिरीन ने यह भी बताया है कि अब ये ऐप नेट के बगैर ही दूसरी फोटोज ऐप की तरह काम करेगी और न्यूरल नेटवर्क्स स्मार्टफोन के अंदर ही काम करेंगे। लेकिन प्रिज्मा ने यह बताने से इनकार कर दिया कि बगैर इंटरनेट के न्यूरल टेक्नोलॉजी फोन पर किस तरह काम करेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अब ये ऐप स्मार्टफोन स्पीड के लिए भी बहुत अच्छी साबित होने वाली है, लेकिन ये होगा कैसे ये कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन दोस्तों ये एक अच्छी खबर है कि आने वाले कुछ टाइम तक प्रिज्मा ऑफलाइन भी काम करना शुरू कर देगी और प्रिज्मा के सीईओ ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द फोटो शेयरिंग ऐप प्रिज्मा में नाइक स्पेशल मोड का भी इजाफा किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है इस ऐप में फोटोज के साथ साथ वीडियो सपोर्ट भी जल्द मुतारिफ करवाने का इम्कान है। तो दोस्तों अगर ये सब फीचर्स प्रिज्मा में डाल दिए गए तो आप फोटोज को आर्ट में चेंज करने के साथ साथ अपनी वीडियोस को भी आर्ट में चेंज कर पाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहां पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।